जैसा कि आप जानते हैं कि सपनों से आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संकेत मिलते हैं, और सपनों से मिलने वाले संकेतों से आपको यह पता चलता है कि आपके साथ भविष्य में क्या अच्छा या बुरा होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे, लेकिन सपने में देवी देवता या उनसे जुड़ी हुई चीजों के दर्शन होना बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सपने में नवरात्रि में शेर के दर्शन होना, जो कि माता दुर्गा का वाहन होता है, शेरावाली माता का वाहन होता है, तो उसके दर्शन करना आपको क्या संकेत देता है, कब आपके लिए शेर देखना शुभ है सपने में नवरात्रि के समय में शुभ दिनों में, और कब आपके लिए अशुभ संकेत हो सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिनों में सपने में यदि आपको शेर या बाघ दिखाई देता है, तो इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। स्टूडेंट हैं, व्यापारी हैं या नौकरी पेशा हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी इच्छा शक्ति में मजबूती आएगी, जिससे कि आप अपने जीवन के सभी लक्षणों को, सभी चुनौतियों को आप पार कर सकते हैं। आपके विरोधी जो आपसे चिढ़ते हैं, वो आपका अमंगल या कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे अपनी रणनीति में, और ऐसे में आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, इससे आप यह समझ सकते हैं या अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाता है। सपने में ऐसा माता से जुड़ा हुआ कुछ देखना, जैसे कि शेर देखना, सपने में नवरात्रि में शेर के दर्शन होना, यह भी आपको बताता है भविष्य में आने वाले समय में आपकी शक्ति में, आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। समाज के अंदर नाम आपका होगा और मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में भी आपकी जो स्थिति है उसमें मजबूती आएगी, तो ऐसा देखना काफी शुभ होगा। सपने में नवरात्रि में यदि आप शेर शेरनी का जोड़ा देखते हैं, तो किसी भी जीव का दोस्तों जोड़ा देखना सपने के अंदर प्रेम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने का और जल्दी विवाह योग बनने का यह संकेत होता है। आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा, यह इस बात का भी संकेत होता है। और इसी प्रकार यदि आप शेर का परिवार देखते हैं, पूरा परिवार, तो ऐसे में आपके पारिवारिक जो स्थिति है उसमें सुख शांति समृद्धि आएगी, पारिवारिक जो ग्रह क्लेश वगैरह है उससे मुक्ति मिलेगी, और पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद हो जाएगा या सुखी हो जाएगा। ये तो थे शुभ संकेत सपने में शेर देखने को। एक बात और दोस्तों, सपने में नवरात्रि में शेर देखना आपको आने वाले समय में धन प्राप्ति भी करवाता है। ये बात हम कहना भूल गए थे, लेकिन जो लोग धन पाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, उन्हें अपने कर्म करते रहना चाहिए, धन की प्राप्ति निश्चित होगी और सफलता निश्चित मिलेगी उनको अपने कार्यों में या बिजनेस के अंदर। और दोस्तों, यदि शेर आपको हमला करता हुआ दिखाई देता है ऐसे शुभ दिनों के अंदर, नवरात्रि के दिनों में सपने में शेर का हमला देखना, काटना, शेर को क्रोधित देखना या गुस्से में देखना, तो ऐसे में आपको नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि नशा या गलत तरीके से धन कमाना या दूसरों का अमंगल करना या दूसरों को सताना या नुकसान पहुंचाना या दूसरों की बुराई करना। तो कुल मिलाकर नवरात्रि के शुभ दिनों में शेर के दर्शन होना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। ऐसे में आपको माता की रोजाना पूजा अर्चना करनी चाहिए, विशेष रूप से नवरात्रि में, ताकि आपको सपनों से अच्छे परिणाम है वो जल्दी प्राप्त हो और कुछ भी अहित या अमंगल होना है तो वह टल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।